संसद के मानसून सत्र और बजट से पहले पार्लियामेंट हाउस में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। बता दें कि बैठक में कांग्रेस ने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद मांगा, साथ ही कहा नीट मामले में लोकसभा में चर्चा हुई। वहीं सपा नेता रामगोपाल यादव ने यूपी कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का मुद्दा भी उठाया है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि बैठक में जेडीयू ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा। वहीं वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश को भी विशेष दर्जा देने की मांग की। केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई इस बैठक में कांग्रेस के जयराम रमेश, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत विपक्ष के बड़े नेता शामिल हुए। वहीं सर्वदलीय बैठक खत्म होने के बाद एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि सरकार तीसरी बार आने के बाद मुख्य कार्यों को लेकर ये पहला सत्र होगा। बजट आने वाला है, सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। कई पार्टियों ने राज्यों के विषय के बारे में भी बात की। वहीं बैठक पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हमारी चर्चा बहुत उपयोगी रही। मैं सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अच्छे सुझाव दिए हैं। वहीं बैठक में भाजपा सहित 44 दलों ने हिस्सा लिया और मंत्रियों सहित 55 नेता, रक्षा मंत्री, लोकसभा में हमारे उपनेता, राज्यसभा में नेता, जिन्होंने आज बैठक की अध्यक्षता की, जेपी नड्डा बैठक में शामिल हुए। बजट सत्र में किन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए उसके लिए एक मीटिंग बुलाई गई और ये औपचारिकताएं हैं। हर सत्र के पहले ऐसी मीटिंग बुलाई जाती है क्योंकि ये बजट सत्र है और नई सरकार तीसरी बार आने के बाद और पहला ऐसे देखा जाए तो पार्लियामेंट का सेशन हो चुका है लेकिन मुख्य कार्यों को लेकर ये पहला सेशन है और बजट आने वाला है तो इसलिए अलग अलग पहलुओं पर किस तरह से चर्चा होनी चाहिए सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। कई पार्टियों ने अपने राज्यों के भी विषय कुछ लिए जाने चाहिए उसके बारे में भी बात की लेकिन एक बात निश्चित है मैंने जो सुझाव दिया कि भाई सत्र पार्लियामेंट का किस तरह से अच्छे तरह से चले, अच्छी डिबेट हो, अच्छी चर्चाएं हो और व्यवधान कम से कम हो। देखिए कोई भी इश्यू तो आएगा, इतने बड़े हमारे देश में अलग अलग घटनाएं अलग अलग राज्यों में घटती हैं, उनको जरूर संसद में उठाना चाहिए लेकिन एक तौर तरीके से उठाया जाए तो उस पर व्यापक चर्चा भी हो सकती है लेकिन आम तौर पर व्यवधान निर्माण करना ये एक परंपरा बन चुकी है पार्लियामेंट में और इस परंपरा में कहीं ना कहीं बदलाव आना चाहिए। स्थगन प्रस्ताव ही रोज लाकर हमारी पार्लियामेंट चलाने की अगर ये मंशा होगी तो ये किसी भी प्रकार से ये मतलब कोई अच्छे काम के लिए संभव नहीं होने वाला है और इसी वजह से इस तरह का सुझाव मैंने भी दिया है और भी बहुत सारे लोगों ने दिया लेकिन संसद अच्छे तरह से चलनी चाहिए, अच्छी चर्चाएं होनी चाहिए और देश के जो अलग अलग समस्याएं हैं, पूरे राज्यों की समस्याएं हैं, इनको भी अच्छे तरह से हमने संसद में रखा। हमारा बहुत उपयोगी चर्चा हुई। मैं सबसे पहले जितने पॉलिटिकल पार्टीज के पार्लियामेंट में फ्लोर लीडर्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा जो आज मीटिंग में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं। कुल मिलाकर के 44 पार्टीज का, भारतीय जनता पार्टी को मिलाकर के 44 पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन आज ऑल पार्टी मीटिंग में हुई। टोटल 55 लीडर्स इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, रक्षा मंत्री जी जो हमारा डिप्टी लीडर है लोकसभा में और आज के मीटिंग को जिन्होंने चेयर किए हैं, हमारे सदन के नेता राज्यसभा में आदरणीय जेपी नड्डा जी और मैं और अपने दोनों राज्य मंत्री पार्लियामेंट अफेयर्स के अर्जुन मेघवाल जी और एल मुरुगन जी, हम लोगों ने टोटल और चिराग पासवान जी अपने दल के नेता के हिसाब से उन्होंने अटेंड किए हैं तो 55 कुल मिलाकर के लीडर्स का आज बैठक हुई। हमने डिटेल में सारा पॉलिटिकल पार्टी के फ्लोर लीडर्स से उनका मत को लिया, सुझाव को लिया, हमने नोट किया और आग्रह भी किया कि हम मिलके बजट सेशन को अच्छी तरह से हम चलाएंगे
और पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाना ये सरकार में जो है उनका भी जिम्मेदारी है और विपक्ष में जो सदस्य है उनका भी जिम्मेदारी है। हम मिल करके अच्छी तरह से बजट सेशन को चलाएंगे, ऐसा हमारा अपील है। और सबका मेंबर्स का बहुत सारा विषय इन्होंने सजेशन किया है, हम उसका सेंस को समझते हुए राज्यसभा में आदरणीय चेयरमैन और लोकसभा में आदरणीय स्पीकर दोनों से चर्चा करके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बैठक में हम इसको आगे कैसे ले जाना है आगे चर्चा करेंगे। अंत में हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने अपील किया है कि हम लोग सब लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सब कमिटेड हैं, और जब सीनियर लीडर हो या कोई भी मेंबर जब लोकसभा राज्यसभा में बोलते हैं तो हम उसको व्यवधान ना करें, डिस्टर्बेंस ना करें। पिछली बार स्पेशल सेशन के दौरान जब प्रधानमंत्री जी ने मोशन ऑफ थैंक्स टू दी प्रेसिडेंट आदरणीय राष्ट्रपति का अभिभाषण को धन्यवाद प्रस्ताव देते समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिप्लाई दे रहे थे तो लोकसभा में भी राज्यसभा में भी डिस्टर्ब किया गया था, उसको लेकर के आज आदरणीय राजनाथ सिंह जी से अपील किया गया है कि ऐसा हमारा संसदीय परंपरा के लिए ठीक नहीं है। जब देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो सदन को सुनना चाहिए और देश को भी सुनना चाहिए।